हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है, आज हम जा रहे हैं भीमताल में। और जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि टाइम बचेगा तो हम भीमताल भी जाएंगे, तो हम पहुंच गए हैं भीमताल और अब हम ताल के बिल्कुल पास में जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और फिलहाल ये है मार्केट, तो मार्केट बिल्कुल रोड पर ही है और थोड़ा सा मार्केट अंदर की तरफ है, वहाँ हम गए नहीं। तो क्योंकि मार्केट में स्पेशली ऐसा होता है कि यहाँ जो सामान आता है सारा प्लेन से आता है, और इसीलिए जो कॉस्ट होती है उसकी वो प्लेन्स की कंपेयर में बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं और पहले पहुंचते हैं ताल के पास और देखते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आज बचे हुए समय में हम एंजॉय कर सकते हैं और घूम सकते हैं। तो गाड़ी हमने लगा दी है पार्किंग के लिए, ये सब पार्किंग एरिया है और 200 रुपये पर यहाँ पर चार्ज है पार्किंग का। और ताल के किनारे ये सारी पार्किंग एरिया है। और ये देखिए ताल, ये है भीमताल। और वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये है आइलैंड कैफ़े। और अभी इसके बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या चार्जेस हैं। चलो आ जाओ, बाहर निकलते घूमते हैं ताल के चारों तरफ। अब तो यहीं से देख ले ताल, आ जाओ। सेलबोर्ड में कितना रुपए? नौशी के ताल के लिए इधर जाना पड़ेगा ऊपर। चलो देखते हैं क्या होता है। एक बोटो तीन तीन में कह रहा, तीन आदमी एक बच्चा। ठीक हो गया फिर, तीन दो बोट कर देंगे। कितने कितने बोल रहा है? 300 एक बोट। 300 और यहाँ से आप एक्वेरियम आइलैंड कैफे के लिए बुकिंग कर सकते हैं। और इसके चार्जेस हमने पता किए हैं, 200 रुपीज़ यहाँ से बोट से आपको लेकर जाएंगे और वहाँ पर खाने का चार्ज आपका अलग पड़ेगा। अब हम बोटिंग के लिए यहाँ पर आ गए हैं। जो बोटिंग के चार्जेस हैं वो 300 रुपीज़ पर बोट है, उसके अंदर 3 अडल्ट होंगे और एक बच्चे को आप वहाँ ले जा सकते हैं। तो 300 रुपये का चार्ज है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं पर अगर गार्डन में बैठने को हमें जगह मिल जाए तो। चलिए देखते हैं आगे पहले जाके। पर गार्डन यहाँ उतना साफ़ सफाई नहीं है गार्डन में, थोड़ा सा या उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है कंपेयर टू नैनीताल ना। नैनीताल के गार्डन काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं और यहाँ पर बैठने की उतनी सुविधा नहीं है गार्डन में। तो अब हम जा रहे हैं। और यहाँ पर एक स्पेशल बात यह है कि ना, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए आपको काफ़ी स्पोर्ट्स मिल जाएंगे और ये बोटिंग आप कर सकते हैं यहाँ। और सामने में आप ये देखिए, ये वाटर स्पोर्ट्स हैं, इसके अंदर जाके आप इसको रोल करना होता है शायद, तो इस भी इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और बाकी एक्वेरियम कैफ़े के अंदर जाके आप वहाँ और इंडोर गेम्स हैं वो गेम्स आप खेल सकते हैं। कैफ़े नहीं, जो यहाँ पर बुकिंग होती है उसके अंदर है। और कैफ़े के बारे में आगे चलिए और वहाँ बात करते हैं आगे।
तो हम पहुंच चुके हैं एक्वेरियम आइलैंड कैफ़े के बिल्कुल पास में, और जो ये बोटिंग होती है ना, ये भी यहीं से इसी कैफ़े से घुमा के वापस ले कर चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्वेरियम, ये जो कैफ़े है, इस कैफ़े वहाँ से ताल से इस कैफ़े तक लाने का जो चार्ज है 200 रुपीज़ लेते हैं वो बोट से, और उसके बाद यहाँ पर आप जो भी चीज़ें खाना चाहें वो खा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मेन्यू। हम लोग यहाँ नहीं गए क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम था। तो अब मैं आपको थोड़ा सा अगर भीमताल के बारे में बताऊं तो यह नैनीताल जो ज़िला है, नैनीताल में सबसे बड़ी झील भीमताल है, ये नैनीताल से भी बड़ी झील है। और समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई देखें तो ये 1332 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी लंबाई 1674 मीटर है और चौड़ाई 427 मीटर है। लगभग 1.5 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है, 1.5 किलोमीटर की लंबाई के एरिया में फैली हुई है। और यहाँ भी जैसे नैनीताल में तल्लीताल और मल्लीताल होते हैं, यहाँ भी तल्लीताल और मल्लीताल कहा जाता है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग की ओर से यहाँ मछली का जो शिकार होता है उसकी भी यहाँ पर सुविधा होती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो ये भीमताल है, भीमताल से नहरें निकाली गई हैं और उन्हीं नहरों से यहाँ आसपास के इलाकों में सिंचाई होती है। तो और इस ताल की अगर गहराई की बात करें तो अधिकतम ये 30 मीटर गहरी है जो अप्रोक्सीमेटली बताया गया है। नैनीताल से भीमताल की दूरी 22 किलोमीटर है और भवाली से अगर भीमताल की दूरी देखी जाए तो 11 किलोमीटर की दूरी है। और वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है सिंचाई विभाग जिस पर लिखा हुआ है, वो यहाँ बांध बना हुआ है सिंचाई विभाग की तरफ से, और इसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट है। और इसी की मैंने आपको बात करी थी कि इसी से जो नहरें निकाली गई हैं जो सिंचाई के काम में भी प्रयुक्त की जाती हैं। यहीं भीमताल से आप नौकुचिया ताल को भी जा सकते हैं, और यहाँ भीमताल से काठगोदाम की जो दूरी है वो लगभग 18 किलोमीटर की दूरी है, तो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है काठगोदाम से, हल्द्वानी से। तो आप यहाँ आके एक दिन में आके घूम के जा सकते हैं, और जब जो सबसे अच्छा समय है भीमताल आने का वो है गर्मियों के समय में, आप यहाँ आइए और इन्जॉय कीजिए। यहाँ पर रहने के लिए भी आपको रूम्स अवेलेबल हैं, अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो रहने के लिए आपको रूम्स यहाँ मिल जाएंगे। होटल्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी कॉटेज यहाँ बने हुए हैं, तो आपके यहाँ रहने के जिस तरह से आप आके यहाँ घूमना चाहते हैं घूम सकते हैं। जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, पैराग्लाइडिंग के चार्जेस वगैरह पता करते हैं और कोशिश करेंगे कि पैराग्लाइडिंग हो जाए। यहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग है उसका चार्ज है 2000 रुपीज़ पर हेड, यानी अगर आपको एक राउंड लगाना है तो आपको 2000 रुपीज़ पे करने होंगे पर पर्सन। तो और मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पर थोड़ा बार्गेनिंग भी होती है, और अगर आप ऑफ सीज़न आ रहे हैं तो इसके चार्ज थोड़ा कम हो जाते हैं, और सीज़न में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इसके चार्ज बढ़ भी जाते हैं। तो यह है पैराग्लाइडिंग, और अगर आप पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं तो आप यहाँ आके पैराग्लाइडिंग के मज़े भी ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।
अनफॉर्चुनेटली हम पैराग्लाइडिंग नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ इतनी बुकिंग हो चुकी थी कि हमारा नंबर आते आते शायद अगला दिन ना जाता और हमें भी वापस भी जाना है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो ज़रूर पैराग्लाइडिंग करेंगे। और व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।